अपने पुत्रों, भाइयों और सभी प्रमुख महारथियों के मृत्यु के पश्चात रावण ने अत्यंत क्रोधित होकर वानर सेना पर आक्रमण कर उनके मध्य हाहाकार मचा दिया। रावण ने तमाम अस्त्र का प्रयोग कर अनेक वानरों को धराशायी कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण ने वानरों को इस प्रकार गिरते हुए देखा और रावण का सामना करने का निश्चय किया। लक्ष्मण ने अपने बाणों से रावण पर प्रहार किए। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। श्री राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर मंत्रोच्चारण करते हुए पूरी शक्ति के साथ रावण पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया। ब्रह्मास्त्र के प्रहार से रावण का हृदय छलनी हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आज भी समस्त भारतवर्ष में श्री राम द्वारा रावण वध की वर्षगांठ धर्म की अधर्म पर विजय के रूप में मनाई जाती है। Streaming on Epicon. Download and subscribe to Epicon today.